भाजपा हो या कांग्रेस हो, सांपनाथ हो या नागनाथ हो, दोनों ने हमें डसने काम किया, कोई हमारा नहीं है। फाइनली चंद्रशेखर को यहाँ आने की परमिशन मिल चुकी है और चंद्रशेखर जो है वो ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं और हम हो गए हैं लेट, सन्नी की वजह से ये लेट आया है, सॉरी। और हम लोग जस्ट पहुंच ही रहे हैं और यहाँ पे शिवराज सिंह जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम हैं उनका भी एक रोड शो है, तो हमको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि प्रोग्राम में ना आने दें उनको, लेकिन वो आ चुके हैं और रास्ते में आपको होर्डिंग भी दिखाते हुए चलते हैं जहाँ पे वो शिवराज सिंह की होर्डिंग लगी हुई है, और भी देखते हैं वहाँ जाकर कि क्या क्या है और उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता चंद्रशेखर आज़ाद से, वो भी आप देखिए आगे। क्या नाम है आपका? सुभाष बौद्ध। राहुल बौद्ध, डॉक्टर राहुल बौद्ध। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए चैनल को, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों की मदद से ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सर ये आपका बहुत बड़ा काम है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है सर, आप बहुत बहुत ही अहम काम कर रहे हैं जिसके लिए हमारे सभी युवाओं को आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और समझना चाहिए कितना बड़ा काम है, क्योंकि जो बाहर का मीडिया हुआ है उससे मीडिया बिका हुआ मीडिया है, पूरे टोटली बिका हुआ मीडिया, इसलिए सोशल मीडिया है वही बहुजन मीडिया है, इसलिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर किया करें। हमें लग रहा था पता नहीं हम लेट हो गए, लेकिन अभी तक चंद्रशेखर रावण यहाँ पर आए हुए नहीं है। बहुजन समाज के लगभग यहाँ सभी लोग हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि यहाँ पे कोई बोल रहा हो कि मैं इस पार्टी का हूँ तो यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादातर बीएसपी और कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के ज़्यादातर लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और जो सबसे आज इनका इंतज़ार है वो जो है चंद्रशेखर आज़ाद का, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। देख लीजिए सब लोग बिल्कुल पागल होए जा रहे हैं और यहाँ पर जो मीडिया वाले हैं उन तक को जगह नहीं मिल रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हमारे मुस्लिम समाज के साथ ही स्वागत कर रहे हैं, तालियों के साथ में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हम लोग इस ग्वालियर की धरा पर अभिनंदन करते हैं, भजन करते हैं। भाई आज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है मुझे, इतने दूर से अपने भाई आए हुए और आपके गले में से आवाज नहीं निकल रही है, भाई इतने दूर से चल के आए, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, बताएंगे इसको संकल्प करें। आ गए
सामने से लेना, सामने से लेना। हमारे बुजुर्ग जिम्मेदार और सम्मानित पदाधिकारी साथियों, इस कार्यक्रम में चंबल संभाग से की जो मनवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव असमानता है, और जो अंबेडकरवादी व्यवस्था है, हमारे महापुरुषों की बनाई हुई व्यवस्था है, हमारे महापुरुषों की चाहत वाली व्यवस्था है, उसमें समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय वाली व्यवस्था है। ये इधर बैठे हुए हजारों नौजवानों को इस बात को तय करना है, संकल्प लेना है, कसम उठानी है। मुझे पता है गर्मी बहुत है और आप लोग बड़े थक चुके हो, लेकिन मेहनत का स्लोग हो तो जल्दी घबराओगे नहीं, मुझे भरोसा है तुम लोगों पर। चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते, छोड़िए कर लेंगे आप परेशान हो। आवाज आ रही है? आखिरी वाला आदमी ने आधा के बताने आवाज आ रही नहीं आ रही। सबसे पहले तो धन्यवाद उस आयोजन कमेटी का जिन्होंने प्रोग्राम किया, और ये प्रोग्राम खुद में एक बहुत मजबूत कड़ी है, क्योंकि इसका नाम है ओबीसी एससी एसटी एवं अल्पसंख्यक सामाजिक एकता मंच। ये बड़ा खुद में एक बड़ा ऐसा निर्माण है, अगर ये गठजोड़ हो जाए तो मेरे हिसाब से बहुजन शासक बन जाएगा, 100% बन जाएगा। ग्वालियर और मध्य प्रदेश की पावन धरती, अभी तो पावन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मेरे सात भाइयों का खून मिला हुआ जो 2 अप्रैल को दिया गया। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा, लेकिन सबसे पहले श्रद्धांजलि उन 11 सात लोगों को। मेरा छोटा भाई आकाश जो भिंड से है, हरिविलास जी जो भिंड से है, दीपक मित्तल ग्वालियर से, जगरूप नरवालिया ये भी ग्वालियर से हैं, प्रदीप जाटव भीम से, राकेश तमोलिया ग्वालियर से, और भीम प्रकाश ग्वालियर से। इनके परिवार के परिजन भी मेरे हिसाब से आए होंगे यहाँ। क्या किसी के परिवार के परिजन हैं यहाँ? मैं माफी चाहता हूँ कि वो सम्मान आपको नहीं मिल पाया जिस सम्मान के हकदार हैं आप, लेकिन आपका बेटा ये भरोसा आपको दिलाता है कि जिस दिन यहाँ बहुजन समाज मजबूत होगा तो सबसे पहले इन 7 परिवारों को ताकत दी जाएगी, पूरी दुनिया याद रखेगी कि किस तरह से समाज के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों का समाज ख्याल रखता है। ये जवान देता आपका भाई, अगर आपके भाई ने जवान दी तो जान दी, पूरी ईमानदारी से वादा करता हूँ पूरे 7 परिवार से। और 7 परिवार से मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से जितने भी लोग शहीद हुए थे 2 अप्रैल के अंदर पूरे देश में, सबके परिवार के लिए मदद करेंगे, एक समय आएगा, अभी ध्यान रखिए, अभी एकता को मजबूत कीजिए। सबसे पहले उसका नाम जिसकी वजह से मेरा वजूद है, परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, चाहे वो ज्योतिबा फूले ने की हो, चाहे बाबा साहब ने किए की हो, चाहे साहब काशीराम ने की हो, तो क्रांति तो उधम सिंह ने की हो, भगत सिंह ने की हो, करतार सिंह सराभा ने की हो, या इन 7 शहीदों ने की हो, तो क्रांति तो हमारे खून में है। लेकिन आज जो मैसेज में तुम्हें दे रहा हूं वो जरूरी था, जब जब भी नौजवान जागा है तो निजाम बदला है, जब जब भी नौजवान जागा सब लोग जानते हैं, चंद नौजवानों ने देश की आजादी में वो डंका बजाया कि अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा, याद है सब लोगों को। और जो लोग ये कहते हैं कि नौजवान नौसिखिए होते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद की जगह गया देश के लिए, चंद्रशेखर 32-33 साल का है, नौसिखिए नहीं है, समाज के लिए कर्तव्य कटवा भी सकते हैं और समाज के सम्मान में काट भी सकते हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान से चलते, संविधान को मानते हैं, लेकिन कायर नहीं है। देश हमारे, हमने अपने खून से सींचा, हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हो, पूरे ओबीसी समाज का जो एहसान है, चाहे वो साहू जी महाराज के वंशजों का हो,
सबका उतारेंगे। अब तक आपने हमारे लिए क्या, आप हमारा धर्म हम लोग निभाएंगे थे। एससी एसटी समाज के लोग क्या ओबीसी समाज का साथ देंगे, हाथ खड़ा करके बताओ। तो अगर तुमने तय कर लिया है, अब मेरी बात सुनोगी। देखो साहब काशीराम अकेले लड़ रहे थे, उन्होंने एक टीम तैयार की और फिर ये लड़ाई पूरे देश में पहुंचाई। संसाधन नहीं थे, साइकिल से गए। बाबा साहब लड़ रहे थे, संसाधन नहीं थे, बच्चा घर में मरा पड़ा था, फिर भी गए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन। किस लिए? उन्हें पीड़ थी, उन्हें तकलीफ थी, वो बदलाव चाहते थे। लेकिन आज इतने नौजवान बैठे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे अच्छे जूते पहने हुए, अच्छे अच्छे फोन ले रहे हैं, फिर भी बदलाव नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं हम हरामखोरी कर रहे हैं, ये बात समझनी होगी आप लोगों को। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है। लेकिन जब मैं मूवमेंट को पढ़ता हूं तो बाबा साहब के साथ बहुत कम लोग थे। उनका अंतिम भाषण था जो आगरा में दिया गया 18 जून को, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। फिर साहब काशीराम ने वहीं से शुरू किया, जो पढ़ लिख के नौकरियों में चले गए, उनका एक संगठन बनाया जिसका नाम था बाप से, और उन लोगों से मदद लेके फिर से इस मूवमेंट खड़ी करने का काम किया। लेकिन आज एक बहुत अच्छी गजब की बात यह है कि आज वो वर्ग जो युवा वर्ग है, जिसमें बहुत एनर्जी है, जिसमें बहुत जुनून है, जो मर मिटने का काम कर सकता है, जो सामाजिक मूवमेंट में खड़ा हो जाए तो बदलाव कर सकता है, आज वो कंधे से कंधा मिला के मूवमेंट चला रहा है। वो 40 साल के एज वाले के साथ भी, वो 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 30, 35 साल तक का नौजवान युवा वो साहब की मूवमेंट को चलाने का काम कर रहा है, वो बाबा साहब के सपने में खड़ा उतरने का काम कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो ही रहा है ना। क्या कुछ ऐसा है जो महसूस हो रहा है कि समाज कुछ ये बदलाव क्यों चाह रहा है? मैं महसूस करता हूं कि बाबा साहब ने और साहब काशीराम ने और बहुजन महापुरुषों ने भी इतने सशक्त कर दिए हैं कि आज हम सम्मान चाहते हैं, आज हम बराबर के हक चाहते हैं। आज हमारा आदिवासी समाज हो, आज हमारा चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, वो सब लोग बराबरी के हक चाहते हैं। लेकिन इस देश में जो नीति काम करती है, जो नागपुर से चलती है, कहां से चलती है? बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि देश को तोड़ने वाली नीति कहां चलती है। तो वो नीति चलती है नागपुर से। मैं चैलेंज करता हूं आज आगे माध्यम से कि अब बहुजन समाज का युवा जा गया है, तुम धर्म के नाम पे मैं लड़ा नहीं पाओगे, तुम हमें वोटों के नाम पे गुमराह नहीं कर पाओगे, तुम हमारे आपसी प्रेम को खत्म नहीं कर पाओगे। अब ये देश नागपुर की नीति से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, और ये देश चलेगा बाबा साहब की कलम से। बाबा साहब का नारा था 1000 तलवार और एक कलम, आज भी एक कलम बहुत ताकत रखती है, बहुत ताकतवर है। एक बार जो लिखा जाता है वो कटता नहीं है। साहब एक नारा दिया करते थे, वो नारा था कि 85% और ये 15% राज कर रहा है। अभी कुछ पीड़ा हुई है, साहब से माफी चाहते हो, मैं इस नारे को बदल नहीं रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब मैं इस नारे को बदल रहा हूं, अब मैं इसे यहां चाहता हूं, जो देश का 85% तबका था, जिसे हमेशा से दबा के रखा गया, जिसे हमेशा से उसका उत्पीड़न किया गया, मैं चाहता हूं वो शिखर पे आए, और जिन लोगों ने हम पे अत्याचार किया, हमारी व्यवस्था को हमें कमजोर किया, वो लोग जमीन पे आए। एक बार ये दिन भी मैं देखना चाहता हूं। क्या इसमें आप लोग मेरा सहयोग करोगे? क्या ये कलम उल्टी होनी चाहिए? ये होगी जिस दिन आप मन बना लोगे और घर से निकल जाओगे, तो ये मूवमेंट भी चलेगी और ये कलम भी उल्टी हो जाएगी। ये मूवमेंट ऐसी है कि इसमें कभी भी मुसीबत पड़ सकती है, लेकिन तैयार रखना कि स्वाभिमान की इस लड़ाई में झुकना मत। अगर एक बार झुके हो तो बहुत नीचे चले जाओगे। वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि 50 साल शासन करेंगे, उन्होंने नीति बनाई है, उनके पास टूल्स है, उनके पास सरकारी मशीनरी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सुप्रीम कोर्ट तक वो अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। लेकिन याद रखना, साहब काशीराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक अदालत है। कौन सी? जनता की अदालत। जनता ने अगर एक बार तय कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं झेल पाएगी। याद रखना इस बात को। कड़वी बातों शुरुआत करते हैं। शिक्षा
बहुत जरूरी है और शिक्षा का जो हथियार है उससे ही हम लोग लड़ सकते हैं। तो मेरा निवेदन है नौजवानों से कि अच्छी शिक्षा लें, शिक्षा का वो इतना मजबूत करे जैसे भीम आर्मी पाठशालाओं में मैंने मजबूत किया है कि अब भीम आर्मी पाठशालाओं में मात्र अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाया जा रहा है? अंग्रेजी। और वो अंग्रेजी जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, जब आप देखना, जब टाट पट्टी बैठने वाला बच्चा, जब झोपड़ पट्टी में रहने वाला बच्चा, जिसे एक टाइम खाना मिलता है बच्चा, जिसे जिसके तन पे पूरे कपड़े नहीं हो बच्चा, जब अंग्रेजी बोलेगा तो बहुत अच्छे लोगों को पता लग जाएगा कि बहुजन समाज तब्दीली कर रहा है, बहुजन समाज बदलाव कर रहा है। हम देश की सभी नीतियों पे कब्जा करेंगे, सारी व्यवस्थाओं पे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये हमने अपने खून से सींचा। तो पहला कब्जा हमारा ज्ञान पे होगा। किस चीज पे होगा? ज्ञान पे। हम सबसे पहले देश में अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। और मैं कुछ मुद्दे लेके आया हूं आप लोगों के बीच में, मैं चर्चा करूंगा उन पे और उम्मीद करूंगा कि मेरे भाई मुझे सुने। बहुजन मूवमेंट का जो सबसे बड़ा नाम है वो साहब काशीराम का। साहब काशीराम ने सोती कौम जगाई, जिसका परिणाम चंद्रशेखर जीता जाता खड़ा, क्योंकि मैं साहब काशीराम से प्रेरित हूँ। मैंने उनको ही पढ़ा, उनको ही सुना, उनको ही देखा और उनकी तकलीफ को महसूस किया कि किस तरह एक आदमी अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, एक मूवमेंट के लिए, बहुजन समाज की, अपना सब कुछ निछावर कर देता है। महसूस करो क्या पीड़ा रही होगी उनकी, महसूस करो क्या पीड़ा रही होगी कि जब अपना परिवार छोड़ा, माँ 20 किलोमीटर दूर थी। महसूस करके देखना एक बार, सब माँ वाले हैं। माँ 20 किलोमीटर दूर थी, बीमार थी, बुलारी थी, लेकिन साहब ने कहा कि नहीं जाऊंगा, वचन ले लिया है कि घर नहीं लौटूंगा, अगर माँ को मिलना हो तो यहाँ आ जाए, प्रोग्राम में जब भी आया करूंगा, मिल लिया करूंगा। काफी दिन बाद माँ की और बेटे की मुलाकात हुई। जो लोग देख रहे थे, माँ भी रो रही थी, बेटा भी रो रहा था, जो लोग देख रहे थे वो भी रो पड़े, क्योंकि एक बच्चा जब अपनी माँ से मिलता है ना, वो कितना भी बड़ा हो जाए तो जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। माँ के पैरों में जन्नत होती है, माँ के पैरों में जन्नत होती है। तो जब साहब मिले तो रो पड़े, जितने लोग देख रहे थे सब रो रहे थे। इलाहाबाद का नाम बदलेंगे, क्या करेंगे? प्रयागराज। ये देश को कहते हैं वापिस संस्कृति में ला रहे हैं, ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली समझ जाओ जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करेंगे, पुरानी उस पर लाएंगे। ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं। ये धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने संविधान जलाया। तो तुम समझो कि जब संविधान बदला जाएगा तो ओबीसी लोग क्या करेंगे, SC ST के लोग क्या करेंगे, माइनॉरिटी के लोग कैसे रहेंगे। संविधान हमें आजाद देता अपने धर्म को मानने की, संविधान हमें आजाद देता स्वतंत्र जीने की, अपने लिए रोजगार करने की, अपने घर मकान बनाने की, सम्मान से रहने की, और ये हमारा वजूद छीनना चाहते हैं। तो याद रखना, अगर एक बार तुमसे गलती हुई तो दोबारा चसकने का मौका नहीं देंगे ये लोग। ये बहुत बड़े वो हैं, बहुत बड़े जबूलेबाज हैं। ये दिखाते कुछ और करते कुछ हैं, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। जो समाज जाग रहा है, साहब क्या कह गए कि जिस समाज का युवा जीते जी अपनी कौम की लड़ाई लड़ता है, मिशन की लड़ाई लड़ता है, वो जीते जी अमर हो जाता है। तो तुम लड़ रहे हो, तुम अमर हो, तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हें आने वाला कल पड़ेगा। तो तुम तैयार रहना, गुमराह नहीं होना, गांव गांव जाना, गली गली जाना, लेकिन मक्कारों को सत्ता में मत आने देना। अगर आज भी तुम्हारा वजूद जिंदा है, तुम चाहते हो सम्मान से रहो, तुम चाहते हो पंडाल तुम्हारे लिए खुले रहे, तुम अपनी बात कर पाओ, तुम्हारी माता बहने सम्मान से रहे, तो मनुस्मृति लागू मत होने देना मेरे दोस्तों, बिल्कुल किसी भी सूरत में। उसके लिए तैयार रहना। बहुत बड़ा अधिकार देके गए बाबा साहब वोट का, जब समय आएगा तो जो लोग संविधान बदलने की बात करें उनको बदल दे। मामा की छुट्टी कर देना, मामा बहुत काम कर चुका है, अब समय आया भांजों का, अब भांजे काम करेंगे, मामा आराम करेंगे। आप देखो कितनी शक्तिशाली है देश में महिलाएं, जो काम कोई युवा नहीं कर पाया, दो बहनों ने मनुस्मृति की मूर्ति को काला करने काम किया, कल उनकी भी रही, उनको भी यहां से नमन करता हूं। कितना बड़ा जिगरा रखा होगा कि जाके जो काम युवा नहीं कर पा रहे, नौजवान नहीं कर पा रहा, पुरुष नहीं कर पा रहा, उन्होंने अपने सम्मान में दो बहनों ने जेल काटी, लेकिन उसे उस पर कालक मुद्रा काम किया। तो देखो कितनी एनर्जी है। महिलाओं को बराबर के हक दो, संगठन में बराबर की हिस्सेदारी दो, इनकी बात रखो, इनके मुद्दों बात रखो, तब जाके देश और समाज बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा।
मैं मां से पैदा हुआ, मां ना होती तो मेरा वजूद ना होता। तो जितनी माताएं बहनें यहां हैं, अगर वो ना होती तो क्या तुम लोगों का वजूद होता? तो समझना चाहिए ना कि मां कमजोर नहीं है, बहन कमजोर नहीं है, तो परिवार की कोई भी मामला कमजोर नहीं है, तो उनका सम्मान करो, उनको हिस्सेदारी दो, उनको पढ़ाओ। मेरा निवेदन है यहाँ बैठे लोगों से, अगर आपके घर में बेटी पैदा हो जाए संकोच मत करना, उसे पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाना। बेटे से अगर आगे ना निकली तो मैं मुझे आगे बताना कि चंद्रशेखर तुम झूठ कह रहे थे, ईमानदार से उसका साथ देना, एक बार देख देखना। अभी उदाहरण देता हूं, यूपी में 4 बार बहुजनों की सत्ता रही और 4 बार हमारी एक बहन, हमारी एक आदरणीय नेता मुख्यमंत्री रही, उसने पूरा प्रदेश चला और पूरा देश लोहा मानता है कि ऐसा शासन नहीं देखा कभी किसी ने। तो तुम मानते हो कि महिला कमजोर तो नहीं है ना? एक बार नेतृत्व दे के देखो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या कुछ कर सकती है महिला। घबराने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे स्वाभिमान पे ठेस नहीं है, ये उनके वजूद की बात है। मिशन संघर्ष मांगता है और आजादी बलिदान मांगती है, और हमने वादा किया है कि हम इस आजादी की लड़ाई को अपने खून से जीतेंगे। किसे जीतेंगे? खून से। लेकिन मिशन को रुकने नहीं देंगे। एक चंद्रशेखर आए, 1000 चंद्रशेखर आए, सुनील अस्ते आए, दत्तू बेड़े आए, जो भी आए, जिसने जितने भी नौजवान काम करे, कोई आए, पुष्पिंदर आए, लेकिन ये मिशन अब रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें भागीदारी किसने की? युवाओं ने। युवा जिस तरफ चल देता है रास्ता बना देता है। ये बहुजनों की सुनामी है, ये मर सकते हैं, ये जेल काट सकते हैं, ये रासुका लगवा सकते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये सरकार को समझ आना चाहिए। बड़ी नीति बना रहा हूं, बड़ी मूवमेंट है, साहब ने जिम्मेदारी दी थी कि युवा जाके संभालेंगे, हम लोग संभाल रहे हैं। तो बड़ी नीतियां हैं आपके लिए, कह के जाता हूं कि दिल्ली में दिसंबर में रैली करेंगे, बड़ी दिसंबर में। कब करेंगे? तैयार है ना? 2 अप्रैल को जितने लोगों को जेल में बंद किया गया पूरे देश में, जितने लोगों पर राशुका से लेकर कार्रवाई की गई है, और जितने लोगों के परिवार ने शहीदगी दी, अगर उनको सम्मान नहीं मिला तो ना तो आंदोलन वापस होगा, ना वो सरकार वापस होगी जिसके नेतृत्व में सारी चीज हुई। याद रखना, वो आवाज देंगे दिल्ली से पहुंच के। ग्वालियर में सब ठीक है? ठीक नहीं है? ठीक करना है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। ये पिछड़े जो इन्हें पिछड़े कहते हो, पिछड़े नहीं है, ये पिछड़े हुए हमसे, ये हमारे भाई हैं, ये हमसे पिछड़े हुए हैं। इनका हाथ पकड़ने की देर है, इनके मुद्दों पर बात करने की देर है, इनके अधिकारों की बात करने की देर है। तो जिस दिन ये पिछड़ा वर्ग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा होगा, जैसे आज बैठा हुआ मंच पे पूरे सामाजिक मूवमेंट में, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ जिस दिन 85% एक हो जाएगा, उस दिन तुम लोग इस देश के शासन सत्ता में आओगे। और एक नारा लाया तुम लोगों के लिए, वो नारा कहूंगा, संकल्प पढ़ूंगा, फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। इस देश का बहुजन जाग रहा है और पूर्ण स्वराज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पूर्ण स्वराज। हमारा नारा है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, बहुजनों की अपनी सरकार, जिसे बहुजन चलाएंगे, जिसकी नीति बहुजन बनाएंगे, और जिसमें काम सिर्फ बहुजनों का, ऐसी सरकार चाहिए। आज का जो युवा है वो हक अधिकार चाहता है, वो बराबरी चाहता है, वो रिप्रेजेंटेशन चाहता है, प्रतिनिधित्व चाहता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि युवाओं के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाए, इनको नकारा ना जाए। जो युवा यहाँ बैठे हैं, जब वो 2 अप्रैल को देश बंद कर सकते हैं, देश चला भी सकते हैं, इनको हल्का ना सोचा जाए। मैं संकल्प पढ़ूंगा तो हम संविधान के प्रबल समर्थक है, क्योंकि हमारे बाप ने लिखा, हमारे DNA में संविधान, लोग पढ़ते हैं, हमारे DNA में संविधान है, उसे हम बचाएंगे। भाजपा हो या कांग्रेस हो, सांप नाथ हो या नागनाथ हो, दोनों ने हमें डसने काम किया, कोई हमारा नहीं है। आज तक भी कभी हमें हमारा हक अधिकार नहीं दिए, तो दोनों हमारे लिए, दोनों सांप नाथ और नागनाथ, कांग्रेस या भाजपा, दोनों एक समान है। दोनों से इतनी दूरी बना के रखना, क्योंकि मैं तुम्हें दोनों के पास जाने को नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं बहुजन स्वराज चाहिए। कौन सा स्वराज चाहिए? बहुजन समाज। जब ये इतने लोग बैठे हुए बहुजन समाज के, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी के पसंद समाज के पास वोट मांगने जाने की, मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी वोट की। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर बहुजन एक हो जाए तो देश की कोई सी भी गद्दी अपने हाथ में ले सकते हैं, तो तुम तैयार हो जाओ, बहुजनों को जोड़ लो और इसी बार मामा की विदाई करा दो यहाँ से। उम्र भी तो होगी है ना, वृद्धावास एक होता है हिंदू धर्म में, वृद्धाश्रम
उसमें भेज दो, तुम ही काम कराओगे, तुम्हारा क्या होगा अगर तुम वही लोग काम करेंगे? तुम्हारी सरकार कब आएगी? तुम्हारे अधिकार कब मिलेंगे? तुम्हें न्याय कब मिलेगा? तुम्हें ये नीति बदलनी पड़ेगी। इस देश का 85% समाज 15% लोगों को वोट देता है, 15% सरकार बनाता है और फिर चिंगाड़ मार मार कर रोता कहता है कि भैया मैं अधिकार नहीं मिल रहे, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? 85% को वोट दो ना, क्यों दे रहे हो 15% को? भारत के संविधान में वर्णित हमारे अधिकारों को सापनाथ और नागनाथ द्वारा सुनियोजित तरीके से समाप्त किया जा रहा है। इन संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान मनुवादी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में राज्य सरकारों को अपना वोट आज से और आज के बाद होने वाले किसी चुनाव में नहीं देंगे, क्योंकि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब पसंद आता है कि वोट किसे दें, ये जरूरी है सुनना। शपथ में हाथ ऐसे रहे, मैं भागने नहीं दूंगा ना खुद भागूंगा, तुम्हें भागने दूंगा, हाथ ऐसे ही रहे सब लोग। इसलिए हम इस एकता महापंचायत में यह भी शपथ और संकल्प लेते हैं कि सापनाथ और नागनाथ को छोड़कर बहुजन मूल निवासी विचारधारा वाले भारत में चल रहे विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाने का कार्य करेंगे, जैसे आज हो रहा है। और जो संगठन बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय एवं समता मूलक समाज जो बाबा साहब का सपना था कि आपकी स्थापना, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति जो साहब काशीराम का सपना था, एवं समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व जो जो गौतम बुद्ध का सपना था, महामना ज्योतिबा फुले जी का सपना था, के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक समुदाय के खड़े किए जाने वाले प्रत्याशियों को ही वोट करें। क्योंकि साहब काशीराम कहा करते थे कि मुझसे गलती हो जाए तो समाज गलती ना करे, अगर मुझसे गलती हो जाए तो समाज ना गलती करे, समाज गद्दारों का ध्यान रखे, समाज जो हमें लूटना चाहते हैं, जो आज तक जिन्होंने हमें अधिकार नहीं दिए 70 सालों में, उनका ध्यान रखे, इस बार उनको भी उनकी तबीयत भी ठीक करने का काम करे समाज। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ बहुजन विचारधारा का हो, ऐसी भी संकल्प आप लोगों को लेनी पड़ेगी। बाकी जो खास मुद्दे उठाए हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं और वीडियो भी आपको दिखा दिया है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और पर्सनली हम इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि जो टीम उनकी सिक्योरिटी कर रही थी वो खास तौर पे यूपी से आई थी, और जो आयोजन करता थे उनको भी नहीं पता था कि चंद्रशेखर कहाँ से आए और कहाँ चले गए। और हम कल बात करेंगे बुक्स की, हमने किस किस को बुक्स भेजी हैं, तो कल का वीडियो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह के वीडियो मैं डेली बनाने की कोशिश करता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए मुझे कम से कम 1000 लाइक चाहिए। थैंक यू।